देहरा विधानसभा क्षेत्र में सीआरपीएफ के कोबरा ट्रेनिंग सेंटर को लेकर सियासत सुर्ख है। 26 मई को हरिपुर चौगान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जनसभा में देहरा के विधायक होशियार सिंह ने सीआरपीएफ कोबरा सेंटर राग छेड़ा और केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर को लपेटे में ले लिया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट तभी मिलेंगे जब कोबरा सेंटर आएगा। हरिपुर में मुख्यमंत्री की जनसभा में क्या बोले थे विधायक होशियार सिंह, सुनिए विस्तार से। 2019 में कोबरा ट्रेनिंग सेंटर सीआरपीएफ के लिए यहां पर 160 एकड़ जमीन के आपके साथ स्टेट गवर्नमेंट ने 1 रुपए में सीआरपीएफ कोबरा सेंटर के लिए जमीन अलॉट किए। हम बैठे बिल्कुल इसके सामने है 160 एकड़। इस केस को आप एमएचए में लेके जाए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, यहाँ कोबरा ट्रेनिंग सेंटर के लिए सबसे बेस्ट जमीन है जंगल वॉरफेयर के लिए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये कार्य हमने बड़े मेहनत से किया था, लेकिन हमारे माननीय केंद्र मंत्री अनुराग जी ने भी कई बार इस केंद्र के कोबरा सेंटर के लिए कई बार बातें की, लेकिन जब हमने जमीन दे दी तो उसके बाद वो गायब हो गए। पता नहीं कहाँ खो गए, कहाँ है हमें भी नहीं पता, बड़े दिन हो गए। इस इलाके में उन्होंने आना ही छोड़ दिया, लोग भूल रहे हैं उन्हें कि कहाँ चले गए। तो हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं भानुपल्ली, ये पता नहीं भानुपल्ली कहाँ है। हमें बार बार बताया जाता है कि कहाँ रेलवे आ गई, कहाँ क्या आ गया। हम तो ये जानते हैं कि देहरा में जो है देहरा बड़ा पिछड़ा रह गया, और देहरा में कोबरा सेंटर जल्दी से ले आए, नहीं तो 2024 में हर लक्ष्य देहरा का हर इंसान ये पूछेगा कि कोबरा सेंटर कहाँ गायब हो गया। वोट तभी पड़ेंगे जब कोबरा सेंटर आएगा। वहीं भाजपा ने भी विधायक होशियार सिंह को करारा जवाब दिया है। देहरा भाजपा नेता डॉक्टर सुकृत ने कहा कि देहरा में जितने भी शिलान्यास व उद्घाटन हुए हैं वे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व पूर्व की भाजपा सरकार की देन हैं। उन्होंने कहा कि विधायक का क्षेत्र के लिए योगदान जीरो है। क्या बोले भाजपा नेता डॉक्टर सुकृत, सुने। कोबरा ट्रेनिंग सेंटर के अलावा जो ये बात कर रहा है, इसका इस क्षेत्र में कहीं कोई और योगदान है तो ये बताए। जहां कोई काम होता है, चाहे माननीय सांसद जी करवाते हैं, कोई चुनी हुई सरकार करवाती है, पूर्व की भाजपा सरकार ने किया, या इवन पंचायत अपने स्तर पे करवाती है, तो ये वहां पे बेशर्मों की तरह श्रेय लेने के लिए पहुंच जाता है। हंसी तो इस बात की आती है, मामला और हास्यास्पद तब हो जाता है जब ये व्यक्ति मनरेगा के श्रेय लेने भी चला जाता है। इसने सवाल किया कि माननीय सांसद ने, केंद्रीय मंत्री ने इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया। जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये व्यक्ति श्रेय लेना चाह रहा है, इसने हजारों साजिशें रची उसका श्रेय लेने के लिए, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के इस क्षेत्र को देन है, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बदौलत चल रहा है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, सेंटर रोड फंड से 10 करोड़ रुपए की सड़क बननी थी हरिपुर से लेके देहरा तक, या यूं कहें देहरा से लेके हरिपुर तक। अब मुझे बताएं उस सड़क का 10 करोड़ रुपया इसके विधायक बनने से पहले सर्जित हुआ। चिड़ियाघर बनखंडी में बन रहा है, 90% पैसा केंद्र का लगेगा, 90% पैसा केंद्र का। माननीय भाजपा के केंद्र सरकार की देन है। लूसू में पाइपें डली, स्कीम पैसा कहीं से आया, सब कुछ हुआ, पाइपें डलवाने के निर्देश रेलवे से किसी ने बात करी, रेलवे में पैसा किसी ने जमा करवाया, जब लास्ट बात आ गई तो प्लम्बर की तरह पाइपें जोड़ने चले गए। लगता है इससे ज्यादा चिंता जिन लोगों ने कोबरा ट्रेनिंग सेंटर के लिए यहाँ बात रखी थी, यहाँ के लिए सबमिट करवाया था, जिन लोगों ने स्टेज पे पहुंचाया है, उनको ज्यादा चिंता है इससे। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।